तो दोस्तों जब वीडियो स्टार्ट कर ही रहे तो सबसे पहले यहाँ पर अप्लाई प्रूफ देख लो कि मुझे इस लोन एप्लीकेशन के द्वारा 5,000 का मुझे यहाँ पे लोन ऑफर कर रहा है। और सबसे मजेदार की बात है दोस्तों, मैं आपको ये बता देता हूँ कि यह जो मुझे 5,000 का जो लोन ऑफर कर रहा है दोस्तों, ओनली फॉर पैन का आधार कार्ड के बेस पर, यानी कि दोस्तों मैंने पैन का आधार कार्ड से यहाँ पे KYC कंप्लीट किया और मुझे यहाँ पे 5,000 का लोन ऑफर कर दिया गया। तो दोस्तों अगर आप भी ओनली फॉर पैन का आधार कार्ड से KYC करके ऐसे ही कुछ छोटे लोन अमाउंट की तलाश में हो जहाँ से आपको 5,000, 10,000, 15,000, 20,000 आपको मिल जाए दोस्तों KYC करके, तो यह लोन एप्लीकेशन आपके लिए बेस्ट होने वाला है। क्योंकि दोस्तों आपको इस लोन एप्लीकेशन के अंदर ओनली फॉर KYC करके लोन मिलता है। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि मैं इस लोन अमाउंट को 28 दिन के लिए, यानी कि दोस्तों मैं 1 महीना के लिए इस लोन अमाउंट को ले सकता हूँ। और दोस्तों जैसे मैं इस लोन अमाउंट को यहाँ पे मतलब EMI क्लियर कर दूंगा दोस्तों, फिर मुझे अगले बार से 12,000 का मिलेगा, फिर उसके अगले बार से मुझे 15,000 का मिलेगा। तो दोस्तों अगर आप भी ओनली फॉर KYC करके लोन लेना चाहते हो दोस्तों, तो यह लोन एप्लीकेशन आपके लिए बेस्ट होने वाला है। तो दोस्तों कैसे आपको इसमें लोन अप्लाई करना है, क्या प्रोसेस, सभी कुछ हम स्टेप बाय स्टेप बात करेंगे। तो आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं कीजिएगा, क्योंकि दोस्तों अगर आप वीडियो को स्किप करते हो और एक भी ट्रिगर आपसे मिस्टेक हो जाता है तो आपको लोन लेने में काफी ज्यादा प्रॉब्लम होगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेकिन दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बाजू वाले बेल आइकन को भी ऑल पे सेट कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों जैसे आप इस लोन एप्लीकेशन को फर्स्ट टाइम ओपन करोगे, फिर आपके सामने इस टाइप का इंटरफेस देखने को आएगा। दोस्तों यहाँ से आपसे पूछा जा रहा है कि आप इस लोन एप्लीकेशन को कौन सा लैंग्वेज में रखना चाहते हो। अगर आप इंग्लिश में रखना चाहते हो इंग्लिश सेलेक्ट कर लीजिएगा, अगर आप हिंदी में रखना चाहते हो हिंदी भी सिलेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों मैं ऐसे इंग्लिश रखूंगा तो मैं इंग्लिश वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लिया। जैसे यहाँ से इंग्लिश वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लोगे उसका दोस्तों अब आपको इस लोन एप्लीकेशन को परमिशन देना है। तो परमिशन देने के लिए वो करना क्या पड़ेगा, नीचे यहाँ पे आपको एक एग्री का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ से आपको एग्री वाले ऑप्शन पर क्लिक करके आपको इस लोन एप्लीकेशन यहाँ से परमिशन दे देना है। तो दोस्तों जैसे वहाँ से परमिशन दे दोगे फिर दोस्तों आपके सामने इस टाइप का इंटरफेस देखने को आ जाएगा। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पे बताया जा रहा है कि आप यहाँ से 20,000 तक का आप यहाँ से मैक्सिमम लोन ले सकते हो। तो दोस्तों अब आपको ऐसे लोन कैसे अप्लाई करना है, तो लोन अप्लाई करने के लिए यहाँ पे आपको एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा गेट माई लोन। तो यहाँ से आपको गेट माई लोन वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे यहाँ से आप गेट माई लोन वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लोगे उसका दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पे अपना फोन नंबर इंटर कर देना है। मोबाइल नंबर इंटर करने के बाद दोस्तों साइड में आपको एक अप्लाई नाउ का ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो यहाँ से आपको अप्लाई नाउ वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे यहाँ से आप अप्लाई नाउ वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे उसका दोस्तों आप जो भी मोबाइल नंबर यहाँ पे दोगे उसी मोबाइल नंबर पे एक OTP आएगा, तो OTP इंटर करके आपको ऐसे कंटिन्यू कर लेना है। तो चलिए दोस्तों मैं ऐसे मोबाइल नंबर इंटर करके मैं ऐसे अप्लाई नाउ वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेता हूं। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो कि मैंने अपना मोबाइल नंबर यहाँ पे इंटर कर दिया है। उसका दोस्तों मेरे मोबाइल नंबर पे भी एक कोड आएगा, तो वो कोड मैं यहाँ पे इंटर कर दूंगा। आपके सामने भी कोड आएगा दोस्तों, वो कोड यहाँ पे इंटर कर लीजिएगा OTP यानी कि दोस्तों। उसके बाद यहाँ से आपको लॉगिन का ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो यहाँ से आपको लॉगिन वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो कि मेरे मोबाइल नंबर पर OTP आ चुका है, मैं अपना OTP यहाँ पे इंटर कर लिया हूँ। उसका नीचे लॉगिन का ऑप्शन देखने को मिल रहा है, तो मैं यहाँ से लॉगिन वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेता हूँ। उसके बाद दोस्तों फिर आपके सामने इस टाइप का इंटरफेस देखने को आ जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पे बताया जा रहा है सेट पासवर्ड। तो दोस्तों यहाँ से आपको 6 लेटर से लेकर 16 लेटर के बीच में आप कोई सा भी एक पासवर्ड इंटर कर सकते हो कि जब भी आप इस लोन एप्लीकेशन को दोबारा ओपन करो दोस्तों तो वह पासवर्ड को इंटर करना पड़ जाए। तो वो पासवर्ड आप इस बॉक्स में इंटर करके नीचे होगा सबमिट का ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो यहाँ से आपको सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। तो चलिए दोस्तों मैं अपना पासवर्ड इंटर करके मैं इसे सबमिट कर लेता हूँ। जैसे वहां से आप सबमिट कर लोगे फिर दोस्तों आपके सामने इस टाइप का इंटरफेस देखने को आ जाएगा दोस्तों। यहाँ पे आपको ओनली फॉर 3 इजी स्टेप में आपके यहाँ पे लोन मिलेगा। सबसे पहले अपना आधार कार्ड को यहाँ पे अपलोड करना है, उसका अपने पैन कार्ड का फोटो यहाँ पे अपलोड कर लीजिएगा, उसका बैंक और यहाँ से वेरीफाई करोगे दोस्तों आपके यहाँ से लोन मिल जाएगा। तो इन तीनों स्टेप को करने के लिए करना क्या पड़ेगा, नीचे आपको एक स्टार्ट का ऑप्शन देखने को मिल रहा है, तो यहाँ से आपको स्टार्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। जैसे वहां से आप स्टार्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लोगे उसका दोस्तों फिर आपके सामने इस टाइप का इंटरफेस देखने को आ जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पे अपने आधार कार्ड के फ्रंट फोटो अपलोड करना है, आपको बैक फोटो अपलोड करना है। तो दोस्तों फोटो अपलोड करने के लिए नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। जैसे यहाँ से नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लोगे उसका दोस्तों आपके मोबाइल का ऐसे कैमरा ओपन हो जाएगा। उसके बाद आप अपने आधार कार्ड का फ्रंट एंड बैक साइड का फोटो यहाँ पर अपलोड कर लीजिएगा, उसका आपका आधार कार्ड ऐसे वेरीफाई हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों मैं अपना आधार कार्ड का फोटो यहाँ से अपलोड कर लेता हूँ, यानी कि दोस्तों फ्रंट एंड बैक साइड का मैं ऐसे फोटो अपलोड कर लेता हूँ। उसका दोस्तों फिर आपके सामने इस टाइप का इंटरफेस देखने को आ जाएगा। तो दोस्तों यहाँ से अपना पर्सनल इन्फॉर्मेशन अब आपको यहाँ से देना है। तो पर्सनल इन्फॉर्मेशन आपको देना क्या पड़ेगा, यहाँ पर अपना एजुकेशन सेट कर लेना कि आप कहाँ तक पढ़े लिखे हो। उसका दोस्तों यहाँ पर आ जाता है लैंग्वेज, तो दोस्तों आप किस लैंग्वेज में बात करते हो लैंग्वेज यहाँ पे सेट कर लीजिएगा। उसका दोस्तों यहाँ पे एक नीचे वो थर्ड नंबर पर आ जाता है ऑप्शन देखने को, तो दोस्तों यहाँ पे अपना धर्म सेलेक्ट कर लीजिएगा, आप किस धर्म से यानी किस जाति से हो वो जाति अपने यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद अपना एक पर्सनल ईमेल आईडी यहाँ पे इंटर करके नीचे आपको नेक्स्ट का ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो यहाँ से आपको नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। तो चलिए दोस्तों मैं अपना पर्सनल इन्फॉर्मेशन यहाँ पे डाल के मैं ऐसे नेक्स्ट कर लेता हूँ। जैसे वहां से आप नेक्स्ट कर लोगे फिर दोस्तों आपके सामने इस टाइप का इंटरफेस देखने को आ जाएगा दोस्तों। अब आपको अपना इमीडिएट डालना है दोस्तों, आप देख सकते हो मैरिटल स्टेटस। तो मैरिटल स्टेटस में आप शादीशुदा हो या सिंगल हो वो अपने हिसाब से सेलेक्ट कर लीजिएगा। अगर आप एक शादीशुदा दोस्तों यहाँ पे मैरिड सेलेक्ट कर सकते हो, उसका दोस्तों यहाँ
आता है नंबर ऑफ चिल्ड्रन, यानी कि दोस्तों आपके पास कितने बच्चे हैं वो यहाँ पे आप इंटर कर लीजिएगा। अगर आप एक सिंगल हो दोस्तों सिंगल यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद दोस्तों नीचे यहाँ पे आप देख सकते हो तो नीचे आता है यहाँ पर आपको जीरो सेलेक्ट कर, यानी कि नंबर ऑफ चिल्ड्रन वाले ऑप्शन पर आपको जीरो यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है अगर आप एक सिंगल पर्सन हो तब दोस्तों, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ से सबमिट का ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो यहाँ से आपको सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। जैसे वहाँ से आप सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लोगे उसका दोस्तों अब आपको यहाँ से पैन कार्ड का फ्रंट फोटो यहाँ से अपलोड करना था। पैन कार्ड का फ्रंट फोटो अपलोड करने के लिए नीचे आपको नेक्स्ट का ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो यहाँ से आपको नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर जैसे ही क्लिक करोगे आपके मोबाइल का कैमरा ओपन हो जाएगा। उसके बाद आप अपने पैन कार्ड का यहाँ पे फ्रंट फोटो अपलोड कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों मैं अपने पैन कार्ड का फ्रंट फोटो यहाँ पे अपलोड कर लेता हूँ। जैसे वहां से आप पैन कार्ड का फ्रंट फोटो यहाँ पे अपलोड कर लोगे उसका दोस्तों फिर आपके सामने इस टाइप का इंटरफेस देखने को आ जाएगा। दोस्तों आपको इनकम इन्फॉर्मेशन यहाँ से देना है, तो इनकम इन्फॉर्मेशन देने के लिए आपको करना क्या पड़ेगा, सबसे पहले आप देख सकते हो कि आपके पैन कार्ड जो भी आप फोटो अपलोड किए वो पैन कार्ड का फोटो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पे अपना फुल नेम इंटर कर देना, यानी कि दोस्तों आपके पैन कार्ड में जो भी आपका नाम होगा वही नाम यहाँ पे इंटर कर लीजिएगा। उसका दोस्तों आपने पैन कार्ड का यहाँ पे मतलब नंबर इंटर कर लीजिएगा। उसके बाद आपने फादर का नेम इंटर कर लीजिएगा। उसका जॉब टाइप, तो आप किस टाइप का जॉब करते हो वो अपना टाइप यहाँ पे सेलेक्ट करके नीचे वो सबमिट का ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो यहाँ से वो सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। तो चलिए दोस्तों मैं इनकम इन्फॉर्मेशन मैं यहाँ पे इंटर करके मैं इसे सबमिट कर लेता हूँ। उसका दोस्तों फिर आपके सामने इस टाइप इंटरफेस देखने को आ जाएगा। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो कि अब आपको कैसे इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर देना है, तो इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर में आपको देना क्या पड़ेगा, यहाँ पे आपको दो नंबर देना है, मदर फादर सिस्टर ब्रदर, आप किसी का भी यहाँ पे नंबर दे सकते हो। तो रिलेशन में वो आपको लगते क्या, मदर लगते या फादर लगते या ब्रदर लगते हैं, वो यहाँ पे टाइप कर लीजिएगा। उसका दोस्तों यहाँ पे उनका मोबाइल नंबर इंटर कर दीजिएगा। फिर उसी प्रकार से आपको एक और यहाँ पे मोबाइल नंबर दे के यहाँ पर आप नीचे देख सकते हो दे देना है, उसका नीचे वो सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। तो चलिए दोस्तों मैं इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर भी मैं इंटर करके मैसेज सबमिट कर लेता हूँ। उसका दोस्तों फिर आपके सामने इस टाइप का इंटरफेस देखने को आएगा। दोस्तों आपको कैसा बेसिक इन्फॉर्मेशन देना है, बेसिक इन्फॉर्मेशन में आप देख सकते हो कि यहाँ पे आपको जिस भी बैंक अकाउंट में या लोन अमाउंट चाहिए दोस्तों उसका आईएफएससी कोड इंटर कर लीजिएगा। उसका अपना अकाउंट नंबर यहाँ पे इंटर कर लीजिएगा। उसका दोस्तों फिर आप देख सकते हो कि यहाँ पे आपको वही अकाउंट नंबर फिर से इंटर करके नीचे वो सबमिट का ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो यहाँ से आपको सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना। जैसे दोस्तों वहां से आप सबमिट करोगे उसका दोस्तों आप फाइनल लोन ऑफर बता दीजिएगा कि आप कितना लोन लेने के लिए एलिजिबल हो। दोस्तों यहाँ आप देख सकते हो कि मैं यहाँ से मतलब पैन का आधार कार्ड से यानी कि केवाईसी करने के बाद दोस्तों मैं 2500 का लोन लेने के लिए एलिजिबल हूँ। दोस्तों आप जितना भी लोन लेने के लिए एलिजिबल होगा वो आपको बता दिया जाएगा। अगर दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो कि मुझे यहाँ पे 14 दिन के लिए यहाँ पे लोन दे रहा है। अगर दोस्तों मान लेते हैं कि अगर आपको इससे अधिक लोन अमाउंट चाहिए, यानी कि दोस्तों यहाँ आप देख सकते हो 5000 का आता है, 15000 का जाता है, तो दोस्तों अगर आपको इनमें से अगर कोई भी अगर लोन अमाउंट चाहिए दोस्तों तो यहाँ पर आपको बैंक स्टेटमेंट या सैलरी स्लिप यहाँ पर आपको देना होगा। तो उसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा, यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पे अपलोड इनकम प्रूफ का जो ऑप्शन देखने को मिल रहा है, तो यहाँ से आप अपलोड इनकम प्रूफ वाले ऑप्शन में जैसे क्लिक करोगे तो आप एक सैलरी पर्सन दोस्तों यहाँ से अपना इनकम प्रूफ यानी कि दोस्तों आपके बैंक अकाउंट में जो भी आपका मंथली इनकम आता है वो बैंक स्टेटमेंट वहाँ पर अपलोड करोगे दोस्तों, इसमें से कोई सा भी अनलॉक हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो कि अगर आपको यही लोन अमाउंट चाहिए यानी कि दोस्तों ओनली फॉर केवाईसी करके, तो सीधा से सबमिट वाले ऑप्शन में क्लिक करोगे दोस्तों उसके बाद आपको यहाँ से लोन अमाउंट मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों मैं यहाँ से आपको एक और ट्रिक बता रहा हूँ, यहाँ से मतलब अपलोड इनकम प्रूफ करके आप कैसे अधिक लोन अमाउंट ले सकते हो। तो दोस्तों उसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा, नीचे यहाँ आप देख सकते हो नीचे एक ऑप्शन देखो मिल जाएगा अपलोड इनकम प्रूफ, तो यहाँ से आपको अपलोड इनकम प्रूफ वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। जैसे वहाँ से आप अपलोड इनकम प्रूफ वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लोगे उसका दोस्तों देख सकते हो चूज योर डॉक्यूमेंट, यानी कि दोस्तों आप बैंक स्टेटमेंट यहाँ पे अपलोड करना चाहते हो, सैलरी स्लिप अपलोड करना चाहते हो, तो अगर आपके पास बैंक स्टेटमेंट है तो बैंक स्टेटमेंट भी आप 3 मंथ का अपलोड कर सकते हो। अगर आपके पास सैलरी स्लिप है तो सैलरी स्लिप भी आप यहाँ से अपलोड कर सकते हो। दोस्तों मेरे पास बैंक स्टेटमेंट है, दोस्तों मैं बैंक स्टेटमेंट ही सिलेक्ट रहने देता हूँ। उसका नीचे एक अपलोड का ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो मैं यहाँ से अपलोड वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेता हूँ। जैसे वहां से आप अपलोड वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे उसका दोस्तों आप अपने बैंक स्टेटमेंट्स का पीडीएफ वहाँ पे अपलोड कर दोगे। अगर आपके पीडीएफ का कोई पासवर्ड होगा तो पासवर्ड भी वहाँ पे इंटर कर लीजिएगा। उसके बाद वहां से आपको अपलोड यानी कि दोस्तों सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लोगे उसका दोस्तों यहाँ पर वो फाइनल लोन ऑफर बता देगा कि आप जैसे कितना लोन के लिए एलिजिबल हो। दोस्तों आप देख सकते हो जैसे मैंने यहाँ से अपना बैंक स्टेटमेंट यानी कि दोस्तों 3 मंथ का यहाँ पे अपलोड किया, उसके बाद आप देख सकते हो मुझे यहाँ पे 5000 का मुझे यहाँ पे लोन ऑफर बता दिया गया कि मैं ऐसे 5000 तक का लोन ले सकता हूँ, और मिनिमम मैं यहाँ से 1000 का लोन ले सकता हूँ, और मैक्सिमम मैं यहाँ से 5000 तक का लोन ले सकता हूँ। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पे टाइम भी बढ़ा दिया, यानी कि दोस्तों केवाईसी करके मुझे यहाँ पे 14 दिन के लोन दे रहा था, लेकिन मैंने ऐसे अगर बैंक स्टेटमेंट यहाँ पे अपलोड किया दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो 28 दिन के लिए मुझे यहाँ पे लोन ऑफर बता दिया गया, मैं ऐसे 28 दिन के लिए 5000 तक का लोन ले सकता हूँ, और मैं यहाँ से 2 EMI बना सकता हूँ, यानी कि दोस्तों हर 14 दिन पे मैं मतलब 25-25 रुपए इनको रिपेमेंट कर सकता हूँ। तो दोस्तों अब आपको इस लोन अमाउंट को लेने के लिए आपको करना क्या पड़ेगा, नीचे आपको एक सबमिट का ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो यहाँ से आपको सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। तो चलिए दोस्तों मैं सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेता हूँ। जैसे वहां से सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लोगे उसका दोस्तों आपके लोन का कुछ डिटेल्स यहाँ पे देखने को आ जाएगा। जैसे यहाँ से अगर आप 5000 का लोन लेते हो तो 28 दिन के लिए दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो आपके अकाउंट में भेजा जाएगा 4705 रुपया, जिसमें दोस्तों डॉक्यूमेंट फी यहाँ पर आपको लग जाएगा 2500 रुपया, GST 45 रुपया लग जाएगा, इंटरेस्ट 112 रुपया, तो ये सभी कुछ आपको मतलब काट के आपके अकाउंट में इतना रुपया भेजा जाएगा। तो दोस्तों अब आपको इस लोन अमाउंट को लेने के लिए नीचे वो सबमिट का ऑप्शन देखने को मिल रहा है, तो यहाँ सबको सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। तो चलिए दोस्तों मैं सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेता हूँ। जैसे वहां से आप सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लोगे उसका दोस्तों अब आपको एक सेल्फी अपलोड करना है। सेल्फी अपलोड करने के लिए आपको करना क्या,
पड़ेगा, यहाँ पे आ जाता है टेक फोटो, तो यहाँ से वो टेक फोटो वाले ऑप्शन पे क्लिक करके अपना एक सेल्फी अपलोड कर देना है। लेकिन दोस्तों सेल्फी अपलोड करने से पहले आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है कि ना अपने सर पे टोपी पहनना है, ना अपने मतलब फेस पर चश्मा पहनना है, ना मास्क पहनना है दोस्तों। एक अच्छे से ब्राइटनेस वाले जगह पे जाके क्लियर एक यहाँ पे सेल्फी अपलोड कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों मैं क्लियर यहाँ पे एक सेल्फी अपलोड कर लेता हूं। दोस्तों जैसे वहां से आप सेल्फी अपलोड कर लोगे उसका दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो एप्लीकेशन या सबमिट सक्सेसफुल, यानी कि दोस्तों आपका एप्लीकेशन या सबमिट सक्सेसफुल हो जाएगा। और उसका दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पे बताया जा रहा है कि 24 घंटा आपको यहाँ पे वेट करना है। लेकिन दोस्तों यह 24 घंटा ऐसे ही बोलता है, यहाँ से आपको 1 से 1.5 घंटा के बाद फिर से आप लोन एप्लीकेशन में जाओगे दोस्तों, तो आपका लोन अमाउंट यहाँ से अप्रूवल हो जाएगा। और उसके बाद दोस्तों आप उस लोन अमाउंट को अपने बैंक अकाउंट विद इन 2 मिनट्स के अंदर में ले सकते हो। तो दोस्तों जैसे यहाँ से 1 से 1.5 घंटा के बाद आप इस लोन एप्लीकेशन में फिर से जाओगे दोस्तों, तो वहाँ पे आपको अपना ई साइन कंप्लीट करना है। ई साइन जैसे ही कंप्लीट कर लोगे उसका दोस्तों आप अपने बैंक अकाउंट से अमाउंट ले लीजिएगा। दोस्तों आप भी जाकर सेम इसी प्रकार से इस लोन एप्लीकेशन के अंदर जाकर लोन अप्लाई कर सकते हो। काफी सिंपल है दोस्तों, आप केवाईसी करके भी यहाँ से आप लोन ले सकते हो, और आप चाहो तो बैंक स्टेटमेंट्स भी अपलोड करके कुछ ज्यादा लोन अमाउंट यहाँ अगर लेना है दोस्तों, जैसे 5,000, 10,000, 15,000, 20,000, तो आप बैंक स्टेटमेंट्स अपलोड करके आप यहाँ से लोन ले सकते हो। अगर आपको 2,500, 5,000, 8,000 का अगर लोन का जरूरत है दोस्तों, आप यहाँ से पैन का आधार कार्ड के बेस पर आप यहाँ से लोन ले सकते हो। तो चलिए दोस्तों आप बात कर लेते हैं कि इस लोन एप्लीकेशन का नाम क्या है। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो कि इस लोन एप्लीकेशन का नाम है पे रूपिक इंस्टेंट पर्सनल लोन एप्लीकेशन। दोस्तों यही लोन एप्लीकेशन है दोस्तों, आप भी जाकर सेम इसी प्रकार से इस लोन एप्लीकेशन में जाकर लोन अप्लाई कर सकते हो। दोस्तों अगर मान लेते हैं किसी भी कारण अगर आपको पे रूपिक इंस्टेंट पर्सनल लोन एप्लीकेशन का लोन नहीं मिलता है, या अगर आपका लोन रिजेक्ट कर दिया जाता है, अगर आपको लोन ऑफर ही नहीं किया जाता है, या अगर आपको कुछ ज्यादा लोन अमाउंट की मतलब जरूरत है, जैसे दोस्तों केवाईसी करके मिनिमम 5,000 का और मैक्सिमम 1,00,000, तो दोस्तों आपको कैसे कैसे करना पड़ेगा। तो दोस्तों मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक 15 लोन एप्लीकेशन का लिंक देखने को मिल जाएगा, तो आप जाकर उन 15 लोन एप्लीकेशन में जाकर लोन अप्लाई कर सकते हो। उन 15 लोन एप्लीकेशन आपको कोई भी इनकम प्रूफ, कोई भी सैलरी स्लिप आपको अपलोड नहीं करना है, ओनली फॉर पैन का आधार कार्ड के बेस पर आप जाकर उन 15 लोन एप्लीकेशन जाकर लोन अप्लाई कर सकते हो। तो दोस्तों उन 15 लोन एप्लीकेशन का लिंक मैंने वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप जाकर उन 15 लोन एप्लीकेशन जाकर लोन अप्लाई कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में। तो बस गाइज आज के वीडियो में इतना। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बाजू वाले बेल आइकन को भी ऑल पे सेट कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।